नमस्कार, जीएसटी के मास्टर क्लास के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। आप राष्ट्रीय मीडिया केंद्र से सीधा प्रसारण इस वक्त देख रहे हैं। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर इस कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किया जा रहा है। श्री हसमुख अधिया, जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस दूसरे दिन। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री महेंद्र सिंह जी, जो कि सदस्य हैं सीबीईसी में, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और श्री उपेंद्र गुप्ता जी, जो कि कमिश्नर है जीएसटी के, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज का जो पूरा सेशन है वो इन्वॉइसिंग और ट्रांजिशन, इस मुद्दे पर आधारित है। छोटे कारोबारी ट्रांजिशन की तैयारी कैसे करें, जीएसटी के पहले के जो कानून के तहत जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका अब क्या होगा, इन्वॉइसिंग कैसे की जाए, जीएसटी के तहत इन्वॉइसिंग के लिए कितना समय चाहिए, इन तमाम उलझनों के, इन तमाम सवालों के जवाब शायद आपको एक घंटे के दौरान मिलेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, पूरे राज्य सरकारों में जो भी वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, सीबीएसई के अधिकारी हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं, और जो कारोबारी और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत। और यहां पर जो बैठी जनता, जो ट्रेडर्स विभाग के अधिकारी और जो मीडिया के बंधु हैं, आप सभी का स्वागत है। राजस्व सचिव श्री हसमुख अधिया जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने इनिशियल रिमार्क्स के बाद जो आज का प्रेजेंटेशन है उसकी एक तरह से गाइडेंस दें हमें। नमस्कार, आज का जो द्वितीय जीएसटी की मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो दो विषय के ऊपर हमारा क्लास होने जा रहा है। एक विषय है ट्रांजिशन का और दूसरा है इनवॉइस का। ट्रांजिशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे ट्रांजिट करना है, जो कि हमने कल बता दिया आपको, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं, उसको हम ट्रांजिशन नहीं कहते, कि रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे वेट में से या सर्विस टैक्स में जीएसटी में माइग्रेट करना है। और दूसरा जो ये ट्रांजिशन का इशू है वो अपना जो अनयूटिलाइज स्टॉक है या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपने पास पड़ी है पुराने बिजनेस की, उसको हम नए रेजिम में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो उसका विषय को हम ट्रांजिशन का विषय कहते हैं। उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी आइटम पहले ही एग्जम थी, अब टैक्स में आ गई है, तो मुझे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट मिलेगा पुराने स्टॉक के ऊपर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा यूनिट एग्जम था लेकिन आइटम एग्जम नहीं थी, तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इस तरह के अलग अलग के काफ़ी सवाल लोगों के मन में है, उसका समाधान हमको आज इस प्रेजेंटेशन में करना है। उसी तरह से इनवॉइस में भी, जिसको हम बिल कहते हैं ना कि व्यापारी अपना बिल बुक छपवाता है, इनवॉइस देता है, तो वो इनवॉइस के अंदर भी क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई प्रोफॉर्मा सरकार ने दिया है कि नहीं, उसके बारे में भी लोगों को बड़ी जिज्ञासा है। और एक सबसे बड़ी जिज्ञासा है कि जो एक नया प्रोविज़न आया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हैं तो रजिस्टर्ड डीलर को रिवर्स चार्ज में टैक्स भरने की एक प्रोविज़न आई है, तो उसके मामले में भी लोगों को बड़ी उलझन है कि उसका इनवॉइस हम कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो सब प्रश्न भी है। और इनवॉइस बनाने की तारीख, वो भी एक इम्पोर्टेंट मसला होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टैक्सेबिलिटी, आपको टैक्स कब लगेगा, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो ये सब मामलों का आज खुलासा हम करेंगे। और हमारे साथ, मुझे खुशी है अपने परिचय कराते हुए, उपेंद्र गुप्ता है, जो कि पॉलिसी विंग के कमिश्नर है, और ये जीएसटी का लॉ और रूल्स वगैरह बनाने में भी इनका बड़ा सहयोग रहा है, और वो आपको बहुत बारीकाई से लेकिन बहुत सरल भाषा में प्रश्न और उत्तर उनके माध्यम से ही आपको पूरा विषय को समझाएंगे। मैं उपेंद्र से विनंती करूँगा। नमस्कार। ट्रांजिशन इशू एक बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि आज जो हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल है वो हम जीएसटी रिजीम में कैसे ले सकते हैं, किन कंडीशंस में मिल सकता है, उसके लिए सेक्शन 140 से 143 जो सीजीएसटी एक्ट है उसमें बहुत डिटेल प्रोविज़न किए गए हैं। तो एक एक सिचुएशन को हम देखते हैं कि एक एक हर सिचुएशन में मुझे किस चीज़ का क्रेडिट मिलेगा, मैं कैरी ओवर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, और कौन सी उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो पहली सिचुएशन ये है कि आज मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, और जीएसटी में मैं जीएसटी से पहले मैं रजिस्टर्ड हूँ सेंट्रल एक्साइज में या वैट में या सर्विस टैक्स में, और जीएसटी में भी मैं एज नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर हो रहा हूँ, कंपोजिशन नहीं, नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर हो रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा।
ऐसी स्थिति में आप आज रिटर्न फाइल करेंगे सेंट्रल एक्साइज में भी, सर्विस टैक्स में भी, 30 जून की जो रिटर्न फाइल होगी वो जुलाई के महीने में फाइल होगी, तो उस रिटर्न में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका आप ओपनिंग बैलेंस के रूप में जीएसटी में उसका क्रेडिट कैरी ओवर कर सकते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर होगा उसमें आप उस क्रेडिट को ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या आपको पूरा करना होगा, एक तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपको नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर करना पड़ेगा, ना कि एज कंपोजिशन टैक्स पेयर। दूसरी उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस तो है लेकिन उन चीज़ों से रिलेटेड क्लोजिंग बैलेंस है जो जीएसटी में उसका आईटीसी मिलता है। फॉर एग्जांपल सेस है, जैसे सेस का अगर क्लोजिंग बैलेंस है आपकी रिटर्न में, तो कृषि कल्याण सेस है या एजुकेशन सेस है, उसका क्रेडिट क्योंकि जीएसटी में अवेलेबल नहीं है तो बैलेंस वहाँ होते हुए भी आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं जीएसटी में। तीसरी चीज़ जो कंडीशन लॉ में रखी गई है वो ये रखी गई है कि आपने अपनी पिछले 6 महीनों की रिटर्न सबमिट की हुई हो, इसका मतलब जनवरी से जून तक की रिटर्न आपकी सबमिट होनी चाहिए, तभी आप वो क्रेडिट कैरी ओवर कर सकते हैं। और कितना क्रेडिट आप लेंगे उसके लिए एक जीएसटी रूल्स में एक फॉर्म रखा गया है जिसको हम जीएसटी ट्रेंड 1 बोलते हैं, और उसकी टेबल 5 में आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस इतना था और मेरा ओपनिंग बैलेंस इतना हो गया। वो ट्रेंड 1 जो है आपको एकदम सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए 3 महीने का समय रूल्स में रखा गया है, और ये भी प्रोविज़न किया गया है कि उसको कमिश्नर उस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि आप एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, अगर आपने सबमिट कर दिया फिर आपको कोई और गलती नज़र आई, क्योंकि आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज में भी रिटर्न रिवाइज करने का प्रोविज़न है, वैट में भी है, सर्विस टैक्स में भी है। तो अगर आपने रिटर्न रिवाइज की अपनी, तो आप 10-1 में जो डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है उतना आप कैरी ओवर कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि कैपिटल गुड्स आपने खरीदे थे 30 जून से पहले, अब सेंट्रल एक्साइज में और सर्विस टैक्स में हम 50% क्रेडिट आज ले सकते हैं, और 50% क्रेडिट हम अगले वित्तीय वर्ष में ले सकते हैं। तो जो रिटर्न में आपका बैलेंस होगा उससे रिलेटेड वो आपका सिर्फ 50% होगा, तो जो बाकी बचा हुआ 50% है उसका क्या होगा, क्योंकि वो रिटर्न में तो होगा नहीं। तो उसके लिए ये सिचुएशन रखी गई है, जो प्रोविज़न किया गया है वो ये है कि आप उस रिमेनिंग अमाउंट जो आपने नहीं लिया था पिछले वित्तीय वर्ष में और वो रिटर्न में भी नहीं आ रहा है, इसलिए उतना अमाउंट का क्रेडिट आप ले सकते हैं, और उसके लिए आपको ट्रांस 1 भरना पड़ेगा, उसकी टेबल 6 है, उसमें आप वो इन्फॉर्मेशन भर देंगे। यहाँ मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है कि हम उसको वेरीफाई करेंगे तब आप क्रेडिट लेंगे, आप क्रेडिट सिर्फ डिक्लेरेशन सबमिट करने पे ही ले सकते हैं, बाद में अगर डिपार्टमेंट चाहेगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वेरीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम वेरीफिकेशन नहीं करेंगे, ये सेल्फ असेस टैक्स है, आप जितना आप डिक्लेयर करेंगे आप उतना क्रेडिट ले सकते हैं। अब उसके बाद 2-3 सिचुएशन एक साथ हम देखते हैं। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर मैं आज रजिस्टर्ड ही नहीं था, क्योंकि मेरी जो है जो मैं बनाता था या तो मैं 1.5 करोड़ से कम था, उस सिचुएशन में क्या होगा, या मैं सारे एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स बनाता था, मैं ड्यूटीएबल कोई भी नहीं बनाता, तो उसमें क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? आपके पास जो स्टॉक होगा 30 जून को वो रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल यूज़ हुआ होगा या सेमी प्रोसेस गुड्स होंगी। तो जो प्रोविज़न किया गया है लॉ में वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है और आप अनरजिस्टर्ड यूनिट थे सेंट्रल एक्साइज में या वैट में, तो आपको क्रेडिट उतना मिलेगा जितना आपका इनपुट्स जो है स्टॉक में पड़ा हुआ है, और इनपुट्स जो कि आपने फिनिश गुड्स जो आपके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं उससे रिलेटेड जो इनपुट्स यूज हुआ होगा उस फिनिश गुड्स को बनाने में, उससे रिलेटेड आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन निर्धारित की गई हैं। वो 3 सिचुएशन की कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा। 4th सिचुएशन ये है कि जहां पर मैं आज कंपोजिशन टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड था, जनरली ये वैट में होगा, सेंट्रल एक्साइज में तो कंपोजिशन स्कीम थी नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं पहले कंपोजिशन टैक्स पेयर था, मैं जीएसटी में एज नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर हो रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में भी जो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा
उसमें जो इनपुट्स यूज हुए होंगे या इनपुट्स एज सच आपके पास पड़े हुए होंगे, उससे रिलेटेड जितना भी क्रेडिट होगा वो भी आपको मिलेगा। कंडीशंस मैं अभी, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं बताता हूँ। अगली सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर मैं ड्यूटीएबल भी बनाता था, एग्जम्प्ट भी बनाता था, तो जो मैं ड्यूटीएबल बनाता था उससे रिलेटेड तो मैं क्रेडिट भी ले रहा था, उससे रिलेटेड इनपुट्स का मेरा क्रेडिट रिटर्न में भी आ रहा था, और वो मेरा रिटर्न में जो क्रेडिट आ रहा था, जो पहली सिचुएशन हमने डिस्कस की थी, उससे मेरे को ट्रांसफर हो गया था मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर मैं दोनों बना रहा था, तो जो एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड इनपुट्स थे या उसमें जो उन एग्जेम्प्टेड गुड्स, जो फिनिश गुड्स थे उसमें जो इनपुट यूज हुए थे, उससे रिलेटेड मेरे को क्रेडिट आज नहीं मिलता था, लेकिन जीएसटी में वो गुड्स टैक्सेबल हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में मुझको क्या क्रेडिट मिलेगा? वही क्रेडिट मिलेगा जैसा पहले हमने दो सिचुएशन में देखा कि जितने इनपुट्स आपके पास स्टॉक में हैं उसका क्रेडिट मिलेगा, इनपुट्स जो फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स जो आपके स्टॉक में हैं, जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं फैक्ट्री से, उसमें जो इनपुट्स हैं उससे रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा और उसके लिए कंडीशंस हैं। तो हमने देखा कि ये जो तीन सिचुएशन है, मैं कंप्लीटली एग्जम्प्ट था, मैं कंपोजिशन डीलर था, अब मैं टैक्सेबल हो रहा हूँ, मैं पहले एग्जम्प्ट था, अब मेरी गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल लिमिट में टैक्सेबल हो रही हैं, या मैं टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों एक्टिविटी करता था, अब मेरी दोनों एक्टिविटी टैक्सेबल हो रही हैं, इसके लिए मुझे क्रेडिट क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा इनपुट से रिलेटेड जो मेरे स्टॉक में है, और जो इनपुट्स, जो फिनिश गुड्स जो स्टॉक में है उसमें जो इनपुट यूज हुए हैं उससे रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पर ये बात नोटिस करने की है कि यहाँ पर हम क्रेडिट जो है वो पहली दो सिचुएशंस में, जहाँ पर मैं एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल को छोड़ के, जहाँ मैं एग्जेम्प्टेड कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट था या मैं कंपोजिशन था, आज मुझे कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इन दोनों सिचुएशन में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा सिर्फ इनपुट से रिलेटेड क्रेडिट। और दूसरी सिचुएशन कि इनपुट सर्विस से रिलेटेड क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलेगा, जो कि तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर मैं एग्जेम्प्टेड और ड्यूटीएबल दोनों बना रहा था, उसमें उस सिचुएशन में मुझे इनपुट्स का क्रेडिट भी मिलेगा, इनपुट्स जो फिनिश गुड्स में कंटेंट है उसका भी मिलेगा, और कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है वो भी मिलेगा, क्योंकि आज के लॉ में अगर मैं दोनों चीजें करता हूँ, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों एक्टिविटीज करता हूँ, तो मुझे क्रेडिट पूरा मिलता है कैपिटल गुड्स का। तो जो कैपिटल गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरी रिटर्न से ही आ रहा होगा, क्योंकि मैं रिटर्न में मैंने क्रेडिट लिया होगा, या अगर मैंने पिछले साल में ही खरीदी थी ऐसी कैपिटल गुड्स तो मैंने 50% लिया होगा, तो 50% क्रेडिट मेरा सिचुएशन नंबर दो जो हमने पहले डिस्कस की थी उससे आ रहा होगा। अब इन तीनों सिचुएशन में क्या कंडीशंस हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना है क्रेडिट लेने के लिए? और पीछे आगे चलिए, इसमें जो है कंडीशन जो पूरा करना है वो ये है कि मैं जो इनपुट्स हैं वो मैं जिसपे मैं क्रेडिट ले रहा हूं, और ये मुझे इन स्टॉक से क्रेडिट मिल रहा है, तो स्टॉक से जो क्रेडिट मिल रहा है उसका क्रेडिट जो है मेरे को, जो मेरे पास जो इनपुट्स मैं यूज कर रहा हूं उससे रिलेटेड मुझे क्रेडिट मिलना है, उससे रिलेटेड मुझे डिक्लेरेशन देनी है टेबल नंबर 7 ट्रांस 1 में, सिर्फ मुझे डिक्लेरेशन देनी है कि मेरे पास इतना स्टॉक है। अगर ऐसा इनपुट्स इसमें यूज हुआ हुआ है या इनपुट्स जो मेरे स्टॉक में पड़े हैं जिनमें कि मैं यूज नहीं करूंगा टैक्सेबल सप्लाईज को करने के लिए, तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। दूसरी सिचुएशन जो मुझे, दूसरी कंडीशन जो मुझे पूरी करनी है वो ये कि उन इनपुट्स पे मुझे क्रेडिट मिलने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जीएसटी रिजीम में। अगर कोई ऐसा आइटम है मेरे स्टॉक में जिसमें या तो पहले क्रेडिट नहीं मिलता था या मिलता था, वो इररेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि वो इनपुट्स जो है उसके लिए, उस पे क्रेडिट के लिए मैं जीएसटी रिजीम में एलिजिबल होना चाहिए क्रेडिट लेने के लिए। तीसरी और जो सबसे मुख्य कंडीशन है वो ये है कि मेरे पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उससे रिलेटेड क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि मैं एग्जेम्प्टेड था, हो सकता है मेरे पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट ना हो, इसलिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल एक्साइज में, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 21/2017 है, जो कि 30 जून को जारी किया गया। उसमें एक हमने नया डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब किया है जिसको हम बोल रहे हैं क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। इस क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट को यूज करके, हालांकि आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है ना हो,
तो उस सिचुएशन में आप ये क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरर से जिससे आपने माल खरीदा था, वो इशू करेगा इस क्रेडिट को। उसके लिए दो चार कंडीशंस हैं, तो CTD की जो कंडीशन है मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। नेक्स्ट जो कंडीशन पूरी करनी है वो ये है कि जिन इनवाइस पे मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ वो एक साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं 1 जुलाई को क्रेडिट ले रहा हूँ तो 30 जून 2016 से पुरानी इनवाइस नहीं होनी चाहिए। अगर वो ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट 30 जून 2016 से पुराना है तो मैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्रेडिट लेने के लिए हकदार नहीं रहूँगा। और लास्ट सिचुएशन जो मैंने कहा वो ये कि मुझे डिक्लेरेशन देनी है स्टॉक की, वो टेबल 7 और जो फॉर्म है GST Train 1 जो CGST रूल्स का पार्ट है उसमें मुझे डिक्लेरेशन देनी है। और इसके लिए भी कंडीशन वही है कि 3 महीने में मतलब 30 सितंबर तक डिक्लेरेशन देनी है, इस डेट को बढ़ाया भी जा सकता है और अगर कुछ गलती हुई तो इस टेबल 7 को रिवाइज भी किया जा सकता है। अब मैं क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। ये क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट क्या चीज है ये जानना जरूरी है कि ये क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट एक्साइज एक्ट में जारी किया गया है, जैसा मैंने पहले कहा नोटिफिकेशन नंबर 21/17 से। ये क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जो है मैन्युफैक्चरर से हम जारी करा सकते हैं और ये इंपोर्टेड गुड्स के लिए नहीं है। और अगर 25,000 रुपये पर पीस से वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग इसको जारी करा सकते हैं और 45 दिन के अंदर मैन्युफैक्चरर से जारी करा सकते हैं और उसके बेस पे मेरे पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ। ये क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मैं यूज़ करूँगा अगर मेरे पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट की जो क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर मुझे क्रेडिट मिलेगा ये मैं क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा अगर मैं ट्रेडर हूँ। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ये भी एक जानना जरूरी है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैं पहले एग्जेम्प्टेड था या मैं ड्यूटीएबल और एग्जेम्प्टेड बना रहा था, मैं कंपोजिशन से नॉर्मल टैक्स पेयर आ रहा हूँ, उन सब सिचुएशन में मुझे क्रेडिट मिलेगा अगर मेरे पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स हैं और उस चीज पे मिलेगा जिसका मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल, जो इनपुट्स मेरे स्टॉक में है या इनपुट्स मेरे पास फिनिश गुड्स में। अब अगर हम ट्रेडर की बात करें, ट्रेडर जो है आज सेंट्रल एक्साइज में उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करना नहीं होता है, इसलिए उसको कोई उसके पास सेंट्रल एक्साइज डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो उसको कैसे क्रेडिट मिलेगा? एक तो हम CTD के बेस पे कर सकते हैं जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, और अगर CTD भी नहीं है तो हमने डीम क्रेडिट का प्रोविजन किया है। अगर आप GST में 18% या 28% वाले स्लैब का माल बेचते हैं तो 60% क्रेडिट मिलेगा, और अगर 5% या 12% वाले का बेचते हैं तो 40% स्लैब मिलेगा। ये सिर्फ ट्रेडर के लिए फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है, ये बात नोट करने की। और इसमें जो और कंडीशन है वो ये है कि मुझे GST Train 2 में डिक्लेरेशन देना होगा और ये जो मेरे को क्रेडिट मिलेगा मेरे को उस महीने में मिलेगा जिस महीने में मैं गुड्स बेचूंगा, और ये स्कीम 6 महीने के लिए वैलिड। अब अगर मैं पहले VAT में रजिस्टर्ड था तो क्या मुझे CST का क्रेडिट मिलेगा? तो उसका CST का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, मुझे VAT का क्रेडिट मिलेगा। और जो CST के जो फॉर्म्स थे, सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म, उससे रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा, उससे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब वो फॉर्म्स आप सबमिट कर देंगे तो उसके बारे में उसका रिफंड मिलेगा। नेक्स्ट सिचुएशन है कि मैं पहले ISD के तौर पे रजिस्टर्ड था, तो क्या मैं मेरे को अगर इनवाइस जो है जुलाई के महीने में मिली तो क्या मैं ISD के रूप में उन इनवाइस जो सर्विस टैक्स की इनवाइस मेरे को जुलाई के महीने में मिली मैं क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता हूं? तो प्रोविजन किया गया है कि आप उसका भी क्रेडिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं जिनको आप जो एलिजिबल हैं क्रेडिट ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट सिचुएशन है कि मैं आज सेंट्रली रजिस्टर्ड था, सर्विस टैक्स में सेंट्रली रजिस्टर्ड था। अब GST में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो जो मेरी इनपुट का क्रेडिट था, मेरी रिटर्न एक ही कॉमन थी, तो एक ही जगह मेरा पूरा क्रेडिट था, तो क्या मैं जब रजिस्ट्रेशन लूंगा और हर स्टेट में लूंगा तो उसका क्रेडिट मेरे को एक ही जगह मिलेगा जहां मैं सेंट्रली रजिस्टर्ड हूं, या मेरे को बाकी जगह भी मिलेगा? तो प्रावधान किया गया है कि आप जो है जो भी पहले आपने प्रीमाइसिस दिखाई हुई थी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन में उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो डिक्लेरेशन आप इन्फॉर्मेशन आप डिक्लेयर फाइल कर सकते हैं इन GST Train 1 Table 8। नेक्स्ट सिचुएशन है कि
मेरी मैं जीएसटी में तो माइग्रेट हो गया, लेकिन मेरे कुछ रिफंड क्लेम पेंडिंग है, मेरी कुछ डिमांड पेंडिंग है, मेरी कुछ अपील पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो प्रावधान ये है लॉज में कि अगर आपका जो है रिफंड बनता है तो एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब सेंट्रल एक्साइज लॉ, वैट लॉ, सर्विस टैक्स लॉ में डिसाइड होगा, और अगर उसमें आपको रिफंड बनता है तो हम कैश में भी रिफंड देंगे। हालांकि आज कैश में रिफंड नहीं मिलता है सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में, लेकिन जीएसटी में हमने प्रावधान किया है कि आपको रिफंड भी मिल जाएगा। और अगर रिकवरी होनी है किसी चीज में, क्योंकि मेरी अपील रिजेक्ट हो गई या मेरे अगेंस्ट डिमांड क्रिएट हो गई, तो उस सिचुएशन में हमने प्रावधान किया हुआ है लॉ में कि या तो वो पहले हम एग्जिस्टिंग लॉ में रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग लॉ में नहीं कर पाएंगे तो हम जीएसटी लॉ में करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से पहले किया था, लेकिन सप्लाई मैंने 1 जुलाई के बाद की, तो क्या मुझे जीएसटी देना है या मुझे पुराना टैक्स देना है? तो इसके बारे में प्रोविजन है कि मुझे जीएसटी लॉ जीएसटी देना है अगर मैंने पुराने लॉ में टैक्स सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स या वैट नहीं दिया हुआ। तो ये ट्रांजिशन प्रोविजन से रिलेटेड जानकारियां थी। अब मैं टैक्स इनवाइस की बात करता हूं। तो टैक्स इनवाइस में अगर हम बात करें तो टैक्स इनवाइस कौन इनवाइस इशू कर सकता है? टैक्स इनवाइस रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर सकता है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और वो दो सिचुएशन में कर सकता है, या तो वो सप्लाई कर रहा है तब वो रजिस्टर तब जो है वो इनवाइस इशू करेगा, और अगर या वो सर्विस रिसीव कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो उसमें भी एक एक्सक्लूजन रखा हुआ है कि अगर मैं ऐसी सप्लाई करता हूं जिसकी वैल्यू 200 रुपए से कम है और वो B2B सप्लाई नहीं है, कोई कंज्यूमर आ रहा है मेरे पास और मेरे से वो गुड्स या सर्विसेज ले रहा है जिसकी वैल्यू 200 रुपए से कम है और वो इनवाइस इंसिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इनवाइस इंडिविजुअल इनवाइस इशू ना करके मैं सप्लाई कर दूंगा, और एंड ऑफ द डे मैं एक कंसोलिडेटेड इनवाइस इशू कर दूंगा जितनी भी ऐसी सप्लाई मैंने की है जिसकी मैंने दिन के दौरान में इनवाइस इशू नहीं की थी। जहां तक एज रिसिपिएंट मुझे इनवाइस इशू करने की बात है तो मुझे ये इनवाइस इशू करनी है उन केसेस में और उस समय इशू करनी है जब मैं गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जैसा राजस्व सचिव ने पहले कहा था कि हमने यहां पर प्रोविजन किया है कि आपको इनवाइस तो इशू करनी है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन आ रहा था, तो 9(4) में हमने एक एग्जम्पशन दी है। अगर आप 5,000 रुपये तक का सामान खरीदते हैं एक या एक से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड सप्लायर से तो वो एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं देना है। लेकिन अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा की पलचेज है अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो क्या हर समय जब मैं पलचेज करूँगा मुझे इनवाइस इशू करनी है? ऐसा नहीं है। आपको इनवाइस इशू करनी है तब महीने के अंत में, तो महीने के दौरान में ऐसी परचेजेस जो 5,000 पर डे फ्रॉम वन और मोर सप्लायर थी उसकी ये कंसोलिडेट इनवाइस इशू करके मंथ एंड में आप टैक्स दे सकते हैं। टैक्स तो 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ को ही देना है, लेकिन इनवाइस जो है आप लास्ट डे ऑफ द मंथ को दे सकते हैं। टैक्स इनवाइस में क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो होने चाहिए? एक तो सप्लायर का जीएसटीन होना चाहिए, सीरियल नंबर इनवाइस का होना चाहिए, डेट ऑफ इशू होनी चाहिए, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीन होना चाहिए क्योंकि उसको क्रेडिट मिलना है, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो नेम और एड्रेस होना चाहिए, HSN कोड होना चाहिए। HSN कोड 2 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा या 6 डिजिट होगा वो मैंने आगे एक स्लाइड में रखा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए, और अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो क्वांटिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, टैक्स रेट सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का क्या रेट है या इंटीग्रेटेड टैक्स का क्या रेट है, और अगर सेस लग रहा है तो सेस का क्या रेट है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है वो होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे डिक्लेयर करनी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी क्या है, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और एड्रेस ऑफ डिलीवरी बिल टू शिप टू केसेस को हैंडल करने के लिए प्रोविजन रखा गया है कि बिल टू सो एंड सो शिप टू सो एंड सो, उस केस में मुझे एड्रेस ऑफ डिलीवरी देना है, और मुझे ये डिक्लेयर करना है कि क्या मुझे रिवर्स चार्ज पे टैक्स तो नहीं देना है इस इनवाइस पर, क्या मेरे बायर को तो नहीं देना है, और लास्ट जो है उसमें सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी है। यहाँ पे काफ़ी भ्रांतियाँ हैं कि हम ई इनवाइस ही इशू कर सकते हैं या डिजिटल सिग्नेचर ऑथराइज सिग्नेटरी के होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान लॉ में नहीं है। आप मैनुअल इनवाइस भी दे सकते हैं, आप
बिना डिजिटल सिग्नेचर के भी इनवाइस इशू कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है बी टू बी में सप्लाई अपलोड करने की, वो कुछ पर्टिकुलर डिटेल ही अपलोड करनी है, ना कि पूरी इनवाइस। तो इस तरह की कोई इनवाइस लगेगी अगर हम देखेंगे, या बाद में देख सकते हैं। जो सर्कल हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इनवाइस में नजर आएंगी। HSN कोड जो है वो कितने डिजिट तक देना है, उसका हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया 12/2017 28 जून को। उसमें हमने बोला कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको HSN कोड देना ही नहीं है, ना तो आपको इनवाइस में देना है, ना आपको रिटर्न में देना है। अगर आपकी 1.5 से 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, तो आपको 2 डिजिट पे देना है, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 4 डिजिट पे देना है। इनवाइस कैसे रेस करेंगे? इनवाइस रेस करने में अगर गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं तो इनवाइस ट्रिप्लिकेट में इशू होगी, और अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो डुप्लीकेट में होगी। अगर गुड्स के केस में ओरिजिनल कॉपी रिसिपियंट के लिए होगी जो आपका बायर है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को दी जाएगी जो कि गुड्स के साथ कैरी करेगा, ट्रिप्लीकेट कॉपी मेरी ऑफिस कॉपी होगी। और अगर जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट में होगी, ओरिजिनल मेरे बायर के लिए होगी, डुप्लीकेट मेरी खुद की कॉपी होगी। जो एक हमने आज कई राज्यों में और सेंटर में भी इनवाइस का नंबर बताना होता है, तो इन GSTR 1 जो कि अभी फाइल नहीं करनी है, जैसा आप सबको विदित है कि 2 महीने बाद GSTR 1, 2, 3 का प्रोविज़न आएगा, GSTR 3 भी फाइल करनी है, लेकिन जब GSTR 1 का प्रोविज़न आएगा तो आपने महीने के दौरान में नॉर्मल टैक्स पेयर ने और कंपोजिशन टैक्स पेयर ने क्वार्टर के दौरान में कितनी इनवाइस इशू करी है, फ्रॉम विच नंबर टू विच नंबर, वो एक टेबल में इंफॉर्मेशन भरनी है। इनवाइस कब रेस करनी है? अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ तब करनी है। गुड्स के केस में अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब मैं रिमूव कर रहा हूँ गुड्स तब करनी है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो जब मैं डिलीवरी कर रहा हूँ अपने कस्टमर को तब करनी है। और अगर रिटर्न सेल और रिटर्न है तो उस केस में विद इन 6 मंथ्स मेरे को इनवाइस इशू करनी है। सर्विसेज के केस में, क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि किस टाइम सर्विस इशू हुई, तो 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के विद इन 30 डेज मुझे इनवाइस इशू करनी है। ये आज का प्रावधान है जो सर्विस टैक्स में भी है। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी को 45 दिन का टाइम दिया गया है इनवाइस इशू करने का। कुछ स्पेशल केसेस इनवाइस रूल्स में रखे गए हैं, उस केस में आपको इनवाइस ना देके कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट इशू करने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस कर रहे सप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है, या अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो भी आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है, टैक्स इनवाइस नहीं देनी है। रिवाइज इनवाइस का प्रोविजन है, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और मैंने 30 दिन में ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया था, तो उस दौरान में मैं टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता हूँ। जब मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो मैं रिवाइज इनवाइस इशू कर सकता हूँ, इन जो मैंने ऑलरेडी पहले बिल ऑफ सप्लाई इशू किया था उसके अगेंस्ट। अगर मेरे को एडवांस पेमेंट मिल रहा है तो मैं रिसीट वाउचर इशू करूंगा। अगर मेरे को एडवांस पेमेंट मिला था और मैं वो वापस लौटा रहा हूं तो मुझे रिफंड वाउचर इशू करूंगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में मैं ISD इनवाइस का एक अलग परफॉर्मा है उसमें दूंगा। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमने बोला कि इंश्योरेंस पॉलिसी को ही हम इनवाइस मान लेंगे। बैंकिंग कंपनी को बोला बैंक स्टेटमेंट को ही हम इनवाइस मान लेंगे। ट्रांसपोर्टर के केस में हमने बोला कि जो कंसाइनमेंट नोट इशू होता है उसको हम इनवाइस मान लेंगे। और एयरलाइंस के केस में हमने बोला जो टिकट इशू होगी उसको ही हम इनवाइस मान लेंगे, आपको इनवाइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर कि हमें ये नहीं पता चलता है कि हमने कितना सप्लाई किया, तो उस केस में डिलीवरी चालान का प्रावधान है इनवाइस रूल्स में। वो 3 सिचुएशंस हैं कि अगर मैं लिक्विड गैस सप्लाई कर रहा हूं, मैं जॉब वर्क के लिए सामान भेज रहा हूं, या मैं सामान तो भेज रहा हूँ लेकिन सप्लाई नहीं है, तो गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भेज रहा हूँ, तो उस केस में मैं डिलीवरी चालान इशू करूँगा। और एक्सपोर्ट इनवाइस के केस में मैं नॉर्मल इनवाइस इशू करूँगा, लेकिन मैं उस पर लिखूँगा कि सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, उतना लिख के मैं इनवाइस इशू कर दूंगा, वो एक्सपोर्ट इनवाइस मानी जाएगी। इसके अलावा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का भी प्रोविज़न लॉ में किया हुआ है। मुझे कब क्रेडिट नोट इशू करना है? क्रेडिट नोट इशू करना है अगर मैं ऑलरेडी टैक्स इनवाइस इशू कर चुका हूँ और किसी कारण से टैक्सेबल वैल्यू या जो मैं उस पर टैक्स चार्ज हुआ है वो ज़्यादा हो गया, उसको कम करना है, गुड्स वापस आ रही हैं उस सिचुएशन में, या मैंने गुड्स और सर्विसेज तो सप्लाई कर दी लेकिन रिसिपिएंट को डेफिशिएंट मिली, 100 पीस भेजे थे उसको 80 मिले, इन सिचुएशंस में मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगा। और उन क्रेडिट नोट को मैं
जीएसटी पोर्टल में अपलोड करूंगा रिटर्न के साथ, और मैं अपनी लाइबिलिटी जो मैंने टैक्स इनवाइस इशू करते हुए दिखाई थी उस लाइबिलिटी को मैं कम कर सकता हूं। लेकिन लाइबिलिटी मैं कम तभी कर सकता हूं अगर मैंने क्रेडिट नोट 30 सितंबर तक, अगले साल की 30 सितंबर तक इशू किया गया। अगर मैंने 30 सितंबर के बाद किया तो मैं टैक्स क्रेडिट नोट तो इशू कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी लाइबिलिटी कम नहीं कर सकता हूं। और दूसरी सिचुएशन यह है कि मेरी लाइबिलिटी, सप्लायर की लाइबिलिटी तभी कम होगी जब रिसिपियंट ने क्रेडिट अगर लिया हो तो वो रिवर्स कर दे, अदरवाइज टैक्स जो सप्लायर है वो अपनी लाइबिलिटी कम नहीं कर सकता। क्रेडिट नोट इशू कर सकता है लेकिन लाइबिलिटी कम नहीं कर सकता। और लास्ट सिचुएशन है डेबिट नोट की, मैं डेबिट नोट कब इशू कर सकता हूँ। मैंने इनवाइस तो इशू कर दी लेकिन किसी कारण से जो है वो कम हो गई थी, अब मुझे वो वैल्यू बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है या टैक्स लाइबिलिटी बढ़ानी है, उस केस में मैं डेबिट नोट इशू कर सकता हूँ। और इस केस में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे अगले साल 30 सितंबर तक देना है। ये जितने भी रूल्स हैं, लॉ है और बहुत सारा मटेरियल हमारी वेबसाइट पे है जिसका URL www.cbec.gov.in है और दूसरा है www.cbec-gst.gov.in। धन्यवाद। एक मैं ऐड करूंगा कि जो हमारी सीबीईसी की वेबसाइट है उसके ऊपर एक, आई होप कि बाय नाउ इट इज अपलोडेड, एक सर्च फंक्शन भी हमने आज अपलोड किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कॉमोडिटी का HSN कोड या उसका रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है जानना चाहता है, क्योंकि HSN कॉमोडिटी 11,000 कॉमोडिटी टोटल है, उसका 8 डिजिट तक का कोड होता है, तो उसके लिए अगर वो टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ ही वांट्स टू टाइप प्लास्टिक या पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्लास्टिक, तो ही कैन टाइप इट एंड इमीडिएटली उस आइटम का HSN कोड और रेट जो है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह की एक सुविधा वेबसाइट पे या तो आज शाम तक उपलब्ध हो जाएगी, वो आज अपलोड कर रहे हैं उसको। बहुत धन्यवाद सर। अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इनवॉइसिंग पर पहले सवाल लेंगे। पहला सवाल हमारे पास आया है कि मुझे अभी तक मेरा GST IN नहीं मिला है, तो क्या स्थिति में मैं इनवॉइसेज इशू कर सकता हूँ और कैसे किया जाए अगर ऐसा नहीं हो तो? इस स्थिति में अगर आपके पास PID है तो जैसा कल की क्लास में भी बताया गया था कि वो PID ही आपका GST होगा, तो आप PID को रेफर करके आप इनवाइस इशू कर सकते हैं। PID क्योंकि GST होगा तो आप अपनी इनवाइस बुक भी बनवा सकते हैं, और जब आपको जो है उस PID के बेस पे आप अपनी इनवाइस इशू कर सकते हैं। जब GST आएगा तो आप GST को डाल के फिर आप रिवाइज इनवाइस इशू कर सकते हैं। तो मान लो PID भी नहीं है और नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो भी आप बिल ऑफ सप्लाई या वो इशू कर सकते हैं, और बाद में आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। जैसा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, या आपको 30 दिन का समय है रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने में, तो क्या बीच में मैं अपनी माल सप्लाई नहीं कर सकता? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देंगे और जब आपको GST मिल जाएगा तो आप GST डाल के रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। जी, दूसरा सवाल इनवॉइस को ही लेकर के है। क्या कोई सेट परफॉर्मा है इनवॉइस का, या फिर आप किसी भी फॉर्म में इनवॉइस इशू कर सकते हैं? कोई भी प्रेस्क्राइब परफॉर्मा ना तो एक्ट में ना रूल्स में रखा गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि आपकी इनवॉइस में क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। उसके कुछ मुख्य बिंदु मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताए थे, तो एज लॉन्ग एज वो सारी पर्टिकुलर्स इनवॉइस में हैं वो वैलिड इनवाइस होगी, कोई भी परफॉर्मा इनवाइस का नहीं है। चूंकि ये कार्यक्रम देश भर के कारोबारी भी इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं PIB और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट के जरिए, तो अब कारोबारियों से जुड़े जो काफ़ी सारे सवाल हमारे पास पहले से आए हुए हैं उनमें एक सवाल ये भी है सर कि क्या सभी मामलों में मुझे टैक्स इनवॉइस और या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू करना ज़रूरी है? नहीं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस देना ही है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं लेकिन आप टैक्सेबल गुड्स भी बेचते हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेचते हैं तो आप जो है कंबाइंड इनवाइस कर रहे हैं तो टैक्स इनवाइस होगी। अगर आप टैक्सेबल गुड्स की और एग्जेम्प्टेड गुड्स की अलग अलग इनवाइस दे रहे हैं तो एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई देंगे। आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई दें। तो शायद अगले सवाल का भी जवाब आपने इसी में दे दिया। अगला सवाल है, अलग अलग टैक्स रेट्स में अगर मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं तो क्या उसे एक मिक्स सप्लाई के तौर पर समझा जाएगा, यानी एक ही इनवॉइस होगी या अलग अलग इनवॉइस मुझे जनरेट करनी होगी? अगर आप ऐसे सामान बेच रहे हैं जो अलग अलग टैक्स रेट में आ रहे हैं और आप उसकी वैल्यू भी अलग अलग दिखा रहे हैं, उसका टैक्स रेट भी अलग अलग है,
तो आप एक ही इनवाइस में सारे आइटम्स को लिख सकते हैं, उसका क्या टैक्स रेट है वो लिख सकते हैं, उसका टैक्स कितना बन रहा है वो लिख सकते हैं। तो आप एक ही इनवाइस जारी कर सकते हैं जितने भी आइटम्स हैं और जितने भी टैक्स रेट्स हैं, अलग अलग इनवाइस इशू करने की जरूरत नहीं है, एक ही सिंगल इनवाइस से काम चलेगा। दर्शकों में एक सवाल इनवाइस से जुड़ा हुआ हमारे पास है, आइए लेते हैं, जो भी इनवाइस से जुड़ा एक सवाल करना चाहते हैं प्लीज जी, क्या माइक्रोफोन प्लीज दे सकते हैं जी। अगला सवाल सर ये है कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, क्या उसका इनवॉइस मैं खुद ही एक तरह से इशू कर सकता हूँ? शुड आई मेक एन इनवॉइस टू सेल्फ फॉर रिवर्स चार्ज पेमेंट्स? अगर आप अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज, दो तरीके से है, एक तो ये है कि सप्लायर रजिस्टर्ड था, वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी उस पर ना होकर रिसिपियंट पर है, तो टैक्स इनवाइस तो वो इशू करेगा जो सप्लायर है, मेरे को लाइबिलिटी टैक्स पे करने की मेरी है, उस केस में मुझे इनवाइस जारी नहीं करनी है। जब मैं उसका पेमेंट करूंगा तो मैं पेमेंट वाउचर इशू करूंगा, और जब मैं पेमेंट करूंगा तभी मेरी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहा हूँ, अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहा हूँ तो जब मेरे को वो सामान आएगा तब मेरे को इनवाइस इशू करनी है, और जब मैं उसका पेमेंट करूंगा तो मैं पेमेंट वाउचर भी करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मैंने पहले भी कहा था अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से ऐसा सामान खरीद रहा हूँ जो कि जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये पर डे से कम है, मैं एक या एक से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सामान ले रहा हूँ, उसकी टोटल वैल्यू 5,000 रुपये से कम है, तो उसको रिवर्स चार्ज में मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, तो मुझे उसकी इनवाइस भी जारी नहीं करनी है। लेकिन अगर वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो मुझे मंथली इनवाइस इशू करनी है, मंथ एंड पे पूरे मंथ के दौरान में जो ऐसी सिचुएशन से ज़्यादा मैंने परचेज की जिस पे कि मुझे टैक्स लायबिलिटी आती है मेरी, तो मैं कंसोलिडेट इनवाइस इशू कर दूंगा, उसमें भी मैं सारे आइटम एक साथ दिखा दूंगा कि ये आइटम अनरजिस्टर्ड से खरीदा, इस पे 5% रेट है, इस पे 12% रेट है, लाइक दैट। तो मैं कंसोलिडेट इनवाइस इशू कर मैं उस पर टैक्स लाइबिलिटी अपनी जनरेट कर सकता हूं, और मुझे टैक्स देना है जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा 20 को अगले महीने जी। प्लीज सवाल करें सर। मेरा सवाल एक HSN कोड और उसके टैक्स रेट को लेकर है। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ हेड लैंप्स विच इज फॉलिंग अंडर चैप्टर 8512 एंड इट्स अट्रैक्ट ऑफ ड्यूटी 28%। अगर मैं ये टेल लैम्प या हेड लैम्प ट्रैक्टर के लिए सेल करता हूँ तो इसकी ड्यूटी 18% है, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं इस पे ड्यूटी 28% चार्ज करूं या 18% चार्ज करूं? ये प्रश्न जो है ना वो आज के विषय के साथ सुसंगत नहीं है, उसका जवाब हम बाद में देंगे। थैंक यू जी, ये वेट रिलेटेड प्रश्न है, आज के विषय के साथ ये सुसंगत नहीं है। ठीक है सर, क्रेडिट डेबिट नोट को लेकर के एक सवाल है कि जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई के साथ में जो क्रेडिट और डेबिट नोट जारी किया जाएगा, क्या उसके लिए GST और ITC क्लेम किया जा सकता है उसके लिए? नहीं, प्रश्न क्लियर नहीं है। अगर हाउ विल द क्रेडिट एंड डेबिट नोट फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लायर रिपोर्टेड टू GSTN एंड ITC क्लेम्ड फॉर द सेम? नहीं, अगर आपने जो है वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया हुआ सामान है उसका क्रेडिट नोट डेबिट नोट हो रहा है तो वो भी इनवाइस की तरह ही निर्धारित होगा। तो जैसे इनवाइस आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदते हुए इनवाइस इशू कर रहे हैं जिन सिचुएशन में, अगर वही सिचुएशन कवर होती है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी उसी तरह से अपलोड किया जाएगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी इनवाइस अपनी रिटर्न में दिखाएगा। अब बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं सर कि क्या हम मैनुअल इनवॉइसेस भी इशू कर सकते हैं या हमें हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना जरूरी है अगर इनवॉइस की बात करें? मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि आप मैनुअल इनवॉइस भी दे सकते हैं, उसको डिजिटल सिग्नेचर भी जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ही होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, सारी इनवाइस अपलोड नहीं करनी है, तो आप मैनुअल इनवाइस जारी कर सकते हैं। अगला सवाल है, जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके तहत अगर मैं रजिस्टर्ड हूं और अपना एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर अपने बिल्स पे रख रहा हूं तो क्या मैं उसे कंटिन्यू कर सकता हूं अपने आने वाले इनवॉइसेज में जो कि GST के तहत मैं जारी करने जा रहा हूं अपने सप्लायर्स को? आपका डिसीजन है, आप नया नंबर शुरू करना चाहते हैं 1 जुलाई से वो कर सकते हैं, अगर आप पुराने को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में आपको बताना है कि मैंने कौन से सीरियल से कौन से सीरियल नंबर तक की इनवाइस इस महीने में जारी की है।
जी, कुछ सवाल ट्रांजिशन से भी रिलेटेड है साहब, उस पर हम जाएंगे। ये जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी एग्जिस्टिंग लॉज के तहत तो रजिस्टर्ड हूँ, मैं मुझे कैसे जीएसटी के तौर पर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी कारोबारी हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में तो कल चर्चा हुई थी कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटीएन पे जाके आपको ऑलरेडी पीआईडी मिल गया होगा, पीआईडी के बेस पे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, और पीआईडी को रेगुलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कराने के लिए आपके पास 3 महीने का समय है। उस 3 महीने में आप जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो देंगे। इन दी मीन वाइल जब तक आपको फाइनल जीएसटी नहीं मिलता है तो भी आप पीआईडी के बेस पे बिजनेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारोबार जो अभी अनकंडीशनली एग्जेम्प्टेड हैं और वो पहले से रजिस्टर्ड हैं अंडर एग्जिस्टिंग लॉज, तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर कराते हैं तो क्या उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? अगर जिस चीज पे आज ड्यूटी ही नहीं थी, अगर वो एग्जेम्प्टेड था तो उससे रिलेटेड कोई भी क्रेडिट ना तो इनपुट स्टेज का आया हुआ है ना फिनिश गुड्स का आया हुआ है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एसएसआई एग्जेम्पशंस बहुत सारे लोग अभी तक अवेल कर रहे थे, जो स्मॉल एंड सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटिटीज हैं, क्या उन्हें भी रजिस्टर करने पर जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा? अभी फिलहाल वो रजिस्टर्ड हैं एग्जिस्टिंग लॉज के तहत। नहीं, अगर वो आज एसएसआई एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले रहे थे तो वो रजिस्टर्ड नहीं थे। तो अपनी प्रेजेंटेशन में मैंने कहा था कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो एसएसआई में थी अब टैक्सेबल हो रही हैं, तो जो उनके पास रॉ मटेरियल पड़ा है या जो फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल यूज हुआ है उससे रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा अगर आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ऐसी यूनिट से अगर ट्रेडर ने सामान लिया हुआ है तो ट्रेडर को भी अपनी प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि 60% या 40% क्रेडिट मिलेगा। तो ट्रेडर ने कहां से खरीदा हम ये नहीं देख रहे हैं, ट्रेडर को हर उस चीज का क्रेडिट मिल जाएगा अगर वो अनकंडीशनली एग्जेम्प्टेड आइटम नहीं थे। बहुत सारे कारोबार की स्थिति में 1 जुलाई से पहले कुछ इनपुट्स थे वो जो कि जॉब वर्क के लिए भेजे गए थे लेकिन वो अभी तक रिटर्न नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब वो बन करके आएंगे जॉब वर्क के कम्प्लीशन के बाद में 1 जुलाई के बाद जब से जीएसटी लागू होगा, तो ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट क्या होगा जीएसटी के तहत? अगर जॉब वर्क के पास सामान गया हुआ था, अगर उसने जॉब वर्कर ने 6 महीने में सामान लौटा दिया तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं, ना तो जीएसटी है और ना पुरानी ड्यूटी है। लेकिन अगर जॉब वर्कर ने 6 महीने में नहीं लौटाया तो उस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल था जिसने सामान जॉब वर्कर को भेजा था उसको जितना उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट उन आइटम्स पे लिया था जो उसने जॉब वर्कर के पास भेजा हुआ था वो क्रेडिट रिवर्स करना होगा। सर, टीडीएस से जुड़ा अगला सवाल है। एक कारोबारी हैं जिन्होंने कहा कि मैंने अपने जो सामान है वो 1 जुलाई से पहले बेचे, उनकी इनवॉइसेज जो थी उनको भी रेज किया और उसमें जो टीडीएस की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने टीडीएस काटा, लेकिन जो मेरी पेमेंट आई वो 1 जुलाई के बाद आई, तो क्या जीएसटी के तहत भी कोई टीडीएस का प्रावधान है? क्योंकि आपकी टैक्सेबल इवेंट जीएसटी रिजीम शुरू होने से पहले ही हो गया था, तो इसलिए जब आप पेमेंट करें टीडीएस जनरली कटता है जब आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट पहले ही हो चुका है, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा क्योंकि टैक्सेबल एक्टिविटी जीएसटी रिजीम शुरू होने से पहले ही हो गई। सर, आपने प्रेजेंटेशन में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के जो तरीके हैं उस पर डिटेल से बताया, लेकिन 1 जुलाई से पहले अगर किसी एजेंट के पास मेरे जो सामान या फिर जो कैपिटल गुड्स हैं वो पड़े हुए हैं तो उसके बाद उसकी स्थिति क्या होगी कैरी फॉरवर्ड को लेकर के? ये जो प्रिंसिपल एजेंट का कंसेप्ट था ये सिर्फ स्टेट लॉज में है, आज सेंट्रल लॉज में नहीं है। तो SGST में इसके प्रोविज़न किए हुए हैं कि एजेंट को क्रेडिट मिलेगा कुछ कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करेगा जो कि SGST रूल्स में मेंशन है। वो कंडीशन है कि एजेंट रजिस्टर होना चाहिए GST में, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों स्टॉक डिक्लेयर करें, प्रिंसिपल बताएगा कि एजेंट के पास कितना पड़ा है, एजेंट बताएगा कि प्रिंसिपल के पास किस प्रिंसिपल का सामान मेरे पास कितना है, और वहाँ पे भी वही कंडीशन है कि उनसे रिलेटेड इनवॉइस 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पूरी करेंगे तो एजेंट को भी क्रेडिट मिलेगा। अब इस सर्विस सेक्टर से जुड़ा एक सवाल है सर, बहुत सारे लोग सर्विसेज में डील करते हैं, जो एडवांस में उन्होंने सर्विस टैक्स पे कर दिया है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए, लेकिन जो सप्लाई है वो 1 जुलाई के बाद आ रही है, तो फिर ऐसे में जो GST का ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा? जितनी सर्विस आप GST रिजीम के बाद देंगे उससे रिलेटेड आपको टैक्स देना है।
अगर आपने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया है टैक्स का, तो सर्विस टैक्स में आज एडवांस पे भी टैक्स लगता है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे आपको एडवांस पहले मिल गया हो तो आपने टैक्स भी पहले दे दिया हो, लेकिन सर्विस हो सकता है आप बाद में दें। तो सर्विस आप बाद में दें लेकिन उससे पहले रिलेटेड अगर आप टैक्स पहले ही दे चुके हैं तो जीएसटी में सर्विस देने के बावजूद भी आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड टैक्स पहले ही आ गया है। क्रेडिट को लेकर के एक सवाल है कि आई हैड टू मेक एन सेंडवे क्रेडिट रिवर्सल ड्यू टू द नॉन पेमेंट प्रायर टू द 1st of July 2017। उसके बाद में अगर पेमेंट 1 जुलाई के बाद आ रही है तो फिर क्या क्रेडिट को आप अलाउ करेंगे? लॉ में प्रोविजन है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्रेडिट अलाउ करेंगे, क्योंकि आज भी प्रावधान है सर्विस टैक्स लॉ में, सेंडवेट क्रेडिट रूल्स में, कि अगर आपने क्रेडिट लिया था, आपको नॉन पेमेंट की वजह से रिवर्स करना पड़ा, जब आप पेमेंट करते हैं फिर क्रेडिट मिलता है, ऐसा ही प्रावधान हमने ट्रांजिशनल रूल में भी किया हुआ है। जी, ट्रांजिशन पे अंतिम सवाल हमारे पास है, मेरा जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवाइज हो गया है, उसकी जो कीमतें हैं उसमें भी बदलाव आ गया है, तो क्या जीएसटी के तहत जो ट्रीटमेंट है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपको बढ़ी हुई कीमत पे जीएसटी देना होगा, क्योंकि बढ़ी हुई वैल्यू को हम जीएसटी में सप्लाई मानेंगे। और अगर आपका डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है तो उसमें आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं, और जो क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट है वो हमने पहले ही चर्चा की है। माननीय सचिव महोदय, इस वक्त हमें 15 मिनट और हैं, तो आस्क अढ़िया #AskAdhia पे बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमें आए हुए हैं ट्विटर पे, और बहुत सारे मीडिया के बंधु भी हमारे साथ इस वक्त हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम सोशल मीडिया के सवाल और मीडिया के लिए इस सेशन को ओपन कर सकते हैं। तो पहले चलिए मैं ट्विटर से शुरू करता हूँ, उसके बाद अगर कोई मीडिया के बंधु हैं कुछ सवाल करना चाहते हैं तो स्वागत है। #AskAdhia पे पहला सवाल है कि इज़ इट नेसेसरी टू हैव पैन इन द नेम ऑफ बिजनेस? What if the person has PAN in his own name? अगर किसी के अपने नाम पे PAN है तो क्या बिजनेस के कारोबार के नाम पर भी PAN लेना जरूरी है जीएसटी के तहत? अगर वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है तो उसी खुद के PAN नंबर पे ही उसको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, इंडिविजुअल अगर प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी का उसको अलग PAN नंबर लेना होगा, राइट? और इनके जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो पार्टनरशिप फॉर्म में के नाम में PAN, मतलब जिस नाम में आप बिजनेस कर रहे हैं उस नाम में का PAN जरूरी है। जी, गुरुप्रसाद जी हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि जो हाउसकीपिंग मटेरियल्स हैं जैसे कि क्लीनिंग केमिकल्स एंड कंज्यूमेबल्स हैं, उनके लिए जीएसटी के डिटेल अगर जानने हो तो क्या कोई सुविधा है, किसी पोर्टल पे जाकर के पता कर सकते हैं? मैंने जैसे अभी बताया कि वो सर्च फैसिलिटी हमने वेबसाइट पे डाली हुई है, किसी भी व्यक्ति को अगर ये जानना है कि मेरे जो प्रोडक्ट है जिसका मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या रेट है, तो प्रोडक्ट का नाम टाइप करने से वो आ जाता है, तो उससे वो पता कर सकते हैं। जी, पहला सवाल मीडिया से लेते हैं, प्लीज सर। सर, मैं अनुज गुप्ता नवभारत से, मेरा सवाल ट्रांजिशन से जुड़ा हुआ है। देश के कई शहरों में बड़े कपड़ा व्यापारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, उनके स्टॉक जो उनके पास रखा हुआ गोदाम में उसको लेकर ही शायद ट्रांजिशन की दिक्कत उनको आ रही है, क्या सरकार ने इस बारे में उनसे बात की है या बातचीत करने का कोई इरादा है? देखिए, ऐसा है कि जैसे बताया कि जो एग्जेम्प्ट कमोडिटी थी पहले, उसके ऊपर जब आप नए रेजिम में आएंगे पहली बार टैक्स लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि पहले टैक्स था ही नहीं कपड़े के ऊपर और अब जीएसटी में पहली बार बना है, तो जब पहले टैक्स आप नहीं भरे थे, मान लो कोई व्यापारी के पास बहुत सारा कपड़ा पड़ा है, वो पहले तो उसने कोई ना वेट भरा था ना एक्साइज ड्यूटी भरा था, तो किस चीज़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकती है? जब कोई टैक्स ही नहीं था जिस आइटम के ऊपर, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? तो सवाल यह है कि वो आइटम पहली बार अगर टैक्स में आ रही है तो पहली बार तो उनको टैक्स भरना ही है 5%। सर, एक सवाल ट्विटर पे है शुभदीप मजूमदार का, वो जानना चाहते हैं कि मैं एक आईटी सर्विसेज पूरे देश में देता हूं और मेरा जो ऑफिस है वो केवल मुंबई में है, तो क्या मुझे अलग अलग मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी? कल मैंने इसकी बात की थी कि अगर आप सर्विसेज एक से ज़्यादा स्टेट में से दे रहे हैं, तो आप अगर एक जगह बैठ के आईटी सर्विसेज पूरे देश को दे रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है हर स्टेट में रजिस्टर कराना। लेकिन अगर आपकी और कोई ऑफिस सर्विस देने वाली दूसरे किसी स्टेट में भी है जहाँ से भी आप सर्विस का इन्वॉइस रेज कर रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल इज़ कि जिस स्टेट में से आप माल बेच रहे हैं या जिस स्टेट में से आप सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक जगह पे बैठ के आप पूरे इंडिया को सर्विस दे सकते हैं कंप्यूटर की, यहाँ बैठ के आप आईटी की सर्विसेज पूरे इंडिया को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक ही ऑफिस है पूरे इंडिया में तो फिर आपको एक ही जगह रजिस्ट्रेशन कराना है। शशि जी, सर एक सवाल ये एमआरपी को लेकर के जो आपने नियम बनाए कि एमआरपी के लिए तो लेवलिंग कर सकते हैं साइट में, तमाम कंपनियां और जो रिटेलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक बहुत प्रॉब्लम है कि हम उसमें सब पे माल जो मेरा बचा हुआ है उस पर मैं चिपकाऊँ। अगर वो नहीं चिपकाते हैं और रेट बढ़ जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, वो विषय कंज्यूमर अफेयर्स का है, आज शायद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कुछ इसके बारे में बताया है। जो लोग कहता है कि ये करना ज़रूरी है, अब वो नहीं करेंगे तो क्या होगा वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन हमारी सबसे अपील होगी सब व्यापारियों को कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है ये स्टिकर वगैरह लगाना, वो कर दे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। अगर मान लो बहुत बड़ी आइटम है मास प्रोडक्शन की, तो इमीडिएटली कम से कम वो अपना रिवाइज एमआरपी न्यूज़पेपर में तो छाप दे, न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको इन्फॉर्म तो कर दे कम से कम, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो एमआरपी बदलने के स्टिकर्स जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगा दे, हमारी वही विनती होगी सबसे। जी सर, अगर रिवर्स चार्ज के तहत इनवॉइस आपको जारी करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है, इनवॉइस में क्या पर्टिकुलर्स होंगे वही रखने, वो लॉ में वो रूल में लिखा हुआ है। रिवर्स चार्ज के लिए भी वही फॉर्मेट्स है, वही पर्टिकुलर्स है, उसमें जो पर्टिकुलर्स रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल है वो भरे जाएंगे और उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। जी, और रिवर्स चार्ज में इनवॉइस तभी इशू करनी है जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं, और अगर 5,000 रुपये पर डे फ्रॉम वन और मोर पर्सन है तो मंथली इनवाइस दे जारी कर दी। जी, ट्विटर पे अगला सवाल रंगास्वामी शेखर का है, वो टेक्सटाइल डीलर हैं, उन्होंने कहा है कि जीएसटी से पहले वो बिल्कुल उन पर टैक्स नहीं लगता था और जो टैक्स फ्री इनवॉइसेस यूज करते थे, लेकिन अभी 5% जीएसटी लग रहा है, तो क्या उन्हें क्लोजिंग स्टॉक पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल सकता है? उन्होंने भी वही पहले भी क्वेश्चन यही पूछा था और प्रेजेंटेशन के दौरान भी कहा था कि क्योंकि टेक्सटाइल एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट था उस पर कोई भी टैक्स आज नहीं लगा हुआ है, ना तो वैट ना तो सेंट्रल एक्साइज, तो उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई प्रावधान लॉ में नहीं। जी, प्लीज पूछिए अपना सवाल। सर, अगर मोबाइल बिल या क्रेडिट कार्ड बिल जो है 25 जून को जनरेट होता है और उसकी ड्यू डेट होती है 10 जुलाई, तो जब हम बिल पेमेंट करते हैं तो वो जीएसटी के दायरे में होगा या पुराना टैक्स लगेगा उस पर? इसी के बारे में था कि आज सर्विस टैक्स में क्या प्रोविजन है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो अगर मेरे को एडवांस मिल गया तो पहले मिल गया इनवॉइस जारी करने से पहले, तो जिस दिन एडवांस मिला उस दिन मेरी टैक्स लायबिलिटी है, अगर मेरे को एडवांस नहीं मिला तो जिस दिन मैंने इनवॉइस जारी की उस दिन मेरी लायबिलिटी है। ये सर्विसेज के केस में प्रोविजन था, गुड्स के केस में प्रोविजन था जब आप इनवॉइस इशू करेंगे उसी दिन टैक्स लगना है। गुड्स के केस में जैसा मैंने पहले कहा था इनवॉइस इशू करनी है जिस दिन आप माल बेच रहे हैं। सर्विस के केस में प्रावधान है कि आपने सर्विस तो दी, जिस दिन कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करनी है, लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं की तो क्या होगा? तो ये अगर आपने 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दी तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने इनवॉइस इशू की उसी दिन सर्विस दी थी, और अगर आपने 30 दिन में नहीं की इनवॉइस इशू तो फिर हम डिटरमिन करेंगे कि आपने सर्विस किस दिन कंप्लीट की थी। तो अगर आपने 30 दिन में, आपके एग्जांपल में आपका बिलिंग साइकिल 25 जून तक है, इनवॉइस 10 जुलाई को इशू हो रही है, आपने पेमेंट भी पहले नहीं किया हुआ है जून में, तो आप 10 जुलाई को जब आप इनवॉइस इशू करेंगे तो लाइबिलिटी जीएसटी की आएगी, क्योंकि आप जो है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो 10 जुलाई को मानते हुए जीएसटी लगेगा उस केस में। जी, सुमित सचदेव जी का सवाल है ट्विटर पे, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो एयरेटेड ड्रिंक्स हैं, हालांकि उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि उन पर रेट ऑफ टैक्स क्या है, लेकिन अगर वो किसी रेस्टोरेंट में इसको सर्व कर रहे हैं तो फिर जीएसटी का क्या होगा और उसमें कोई क्या क्रेडिट भी उन्हें अवेलेबल होगा? रेस्टोरेंट में अगर वो एयरेटेड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट कैसे मिलेगा और उस पर कितना टैक्स? उसका क्रेडिट तो जब उन्होंने एयरेटेड ड्रिंक्स खरीदा होगा तो उसका क्रेडिट उनको मिला होगा, अब जब वो सर्व करेंगे तो वो एक बिल इशू करेंगे जिसपे कि वो अपने कस्टमर से उसका जीएसटी चार्ज करेंगे। लेट मी गिव मोर क्लेरिफिकेशन अबाउट इट।
रेस्टोरेंट के ऊपर अगर नॉन एसी है तो 12% रेट है, एसी रेस्टोरेंट है तो 18% है, और अगर रेस्टोरेंट में लिकर सर्व किया जा रहा है तो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ एसी और नॉन एसी 18% लगेगा। अब सवाल ये है कि अब की रेजीम में है, हम ये कह रहे हैं कि जितने भी गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं रेस्टोरेंट में उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगा है उन सब का क्रेडिट ले सकते हैं वो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको हर आइटम का मिल सकता है। स्केचअप की बोतल आपने खरीदी या एरेटेड ड्रिंक्स खरीदे उस सबका आपको वो मिल सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी सुरेश रंका ये जानना चाह रहे हैं कि एज पर सर्विस टैक्स एक्टिवेटेड टिन मेरा जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, क्या मैं नया रजिस्ट्रेशन लूं, और ऐसी स्थिति में अगर मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा? ट्रांजिशन प्रोविजन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप माइग्रेशन करेंगे तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई कर रहे हैं, माइग्रेशन पे नहीं जा रहे हैं, तो भी आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो पुराना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में। तो चाहे आप माइग्रेशन के माध्यम से जाएं या नए रजिस्ट्रेशन के रूट से जाएं, आपको ट्रांस वन में इंफॉर्मेशन देनी है, डिपेंडिंग अपॉन आप रिटर्न के माध्यम से जा रहे हैं, स्टॉक के माध्यम से जा रहे हैं, जैसा हमने चर्चा किया था टेबल 5, टेबल 6, टेबल 8, उस माध्यम से आपको क्रेडिट मिलेगा। और जहाँ तक मेरे को एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं, जैसा हमने कल भी चर्चा की थी। जी एक उपभोक्ता के तौर पर अगर मैं सवाल कर पाऊँ सर कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम पे कितना टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, या फिर जो इनवॉइस मेरे सामने आएगी उसमें मेरे ऊपर कितना टैक्स चार्ज किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मुझे लाभ मिल रहा है नहीं, एक उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा? वो काम मुश्किल है, वो उपभोक्ता को पता करना मुश्किल है। उपभोक्ता को तो इतना ही देखना है कि जो पहले का एक्साइज ड्यूटी और वेट का मिला के कितना रेट था इस आइटम के ऊपर और अब जीएसटी में कितना आ रहा है। तो हम इसके लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को ये बता रहे हैं कि पहले क्या इंसिडेंस था, अब क्या इंसिडेंस है। तो उपभोक्ता को तो अपना टोटल इंसिडेंस ही देखना है। तो मान लो पहले का इंसिडेंस 19% था, अब 18 हो गया, तो उपभोक्ता को 1% कमी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो माल थोड़ा महंगा हो गया तो कंज्यूमर के नास क्वेश्चन कि भाई ये महंगा क्यों हुआ, क्योंकि पहले भी 19% का इंसिडेंस था और अब भी 18% का। सो वो थोड़ा मुश्किल है वो पता करना कंज्यूमर के लिए कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला कितना नहीं। वो तंत्र के लिए जरूरी है जानना कि भाई कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिल सकता है और उसने लिया और उसके प्रोपोर्शनेट उसने प्राइस में रिडक्शन किया कि नहीं किया, वो तंत्र को पता रह सकता है, कंज्यूमर को करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी राजेश कुमार बेरिया जी जानना चाह रहे हैं ट्विटर के जरिए, कमर्शियल व्हीकल ओनर जिन्होंने अभी तक सी नोट इशू नहीं किया है और वो किसी जीटीए से जो व्हीकल्स हैं वो हायर करते हैं, तो क्या उनको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नोट की बात करें जी, तो एक्चुअली जहाँ पे जीटीए है उसमें तो रिवर्स चार्ज का प्रावधान है कि जो है जो रिसिपियंट है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में उसमें उनको जीएसटी देना है। लेकिन अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं और जीटीए नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी को टैक्स देना है। जी और कोई सवाल अगर मीडिया से है? जी लक्ष्मण जी एक प्लीज माइक्रोफोन दे दें। सर मान लीजिए मेरा दिल्ली में मेरी कंपनी है और बॉम्बे हम जाकर रुकते हैं, वहाँ पे होटल में बिल चुकाते हैं, तो वहाँ के इनपुट वहाँ पे जो टैक्स चुकाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बॉम्बे में क्या रजिस्टर्ड होना, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा हमारा? ऐसा राजेश सचिव साहब ने भी पहले बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है वहाँ पर जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप सिर्फ होटल में जाके रह रहे हैं तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही है, तो जो होटल है वो आपसे CGST और SGST चार्ज करेगा। आपका महाराष्ट्र में कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन, तो आप उस क्रेडिट को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो IGST लगा होता तो आप क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन क्योंकि CGST और SGST लग रहा है तो आप जो है उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। फाइनली इस प्रोग्राम में केवल 2 मिनट बचे हैं, श्री अडिया जी अगर कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से है स्वागत। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम को बड़ा अच्छा समर्थन आप लोगों ने दिया। हमारी ये कोशिश है कि ये कार्यक्रम के जरिए हम देश के लाखों व्यापारियों और कारोबारियों तक पहुंच सके, लाखों कंज्यूमर तक भी पहुंच सके। एक कमेंट हमको जो मिला है वो ये है कि भाई इस कार्यक्रम का जो टाइमिंग है वो व्यापारियों के लिए अनुकूल नहीं है,
4:30 से 5:30 में व्यापारी ज़्यादातर अपने अपने व्यवसाय में बिजी होते हैं, तो उनके लिए हमारी विनती ये है कि इस कार्यक्रम का काफ़ी रिपीट भी कुछ चैनल वगैरह करने वाले हैं और उस रिपीट के टाइम उनको देख सकते हैं, और वो नहीं तो भी ये पूरे कार्यक्रम हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप से भी एक दूसरे को भेज रहे हैं यूट्यूब का लिंक, तो आप यूट्यूब से उसको निकाल के एक दूसरे को भेज सकते हैं और जब भी आपको कन्वीनियंस हो अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं और अपने कंप्यूटर में भी कभी भी देख सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजस्व सचिव श्री हसमुख अधिया जी, महेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उपेंद्र गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए और जो तमाम ट्रेडर्स से और लोगों से सवाल मिले हैं उसका जवाब देने के लिए। कल की जो क्लास है वो कंपोजिशन और रिकॉर्ड कीपिंग पे है, वो 11 से 12 बजे इसी जगह फिर से हम करेंगे, और आज के जो कार्यक्रम का आप रिपीट टेलीकास्ट डीडी न्यूज़ पर कल सुबह 9 से 10 के बीच में देख सकते हैं, तो 9 से 10 वो प्रोग्राम देखिए और उसके बाद 11 से 12 यहाँ पर लाइव नेशनल पर जाइए और कंपोजिशन और रिकॉर्ड कीपिंग पर इस क्लास में फिर से आप शामिल हो सकते हैं। फिलहाल GST की मास्टर क्लास के दूसरे दिन सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।